भारत के अब तक के सबसे ज्यादा विदेशी दौरे पर जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी अपने विदेशी दौरों के लिए हमेशा से ही विपक्षी दलों के निशाने पर रहे हैं। उनके हर दौरे पर विपक्षी दल सवाल जरूर उठाते हैं। सरकार के मुताबिक मोदी ने मई 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से 42 विदेशी यात्राओं में से कुल 84 देशों का दौरा किया। मोदी के इन यात्राओं के दौरान चार्टर्ड फ्लाइट प्लेनों के रखरखाव और हॉटलाइन सुविधाओं पर 1484 करोड़ रुपए खर्च हुए। विदेश मामलों के राज्य मंत्री वीके सिंह ने आरटीआई के तहत पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में ये राज्यसभा के सामने ये आंकड़े साझा किए थे। पीएम मोदी की तुलना में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विदेश दौरों पर 9 साल में 642 करोड़ रुपए खर्च किए। पीएम मोदी अब तक के कार्यकाल में कुल 171 दिन विदेश दौरों पर रहे हैं। इस तरह एज अ पीएम उनका 12% समय विदेश दौरों में गुजरा है। बात अगर सबसे महंगे विदेश दौरों की करें तो अप्रैल 2005 में पीएम मोदी की फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा सबसे महंगी रही। सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट और हॉटलाइन सुविधाएं पर 32 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बार अमेरिका का दौरा किया है। उनके विदेश दौरों के लिहाज से जुलाई से नवंबर का वक्त सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है, क्योंकि इसी दौरान ब्रिक्स और ईस्ट एशिया समिट होते हैं। सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी विकास, भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में इन देशों के साथ साथ परस्पर सूझबूझ बढ़ाना भी है। मोदी के विदेश दौरों की बात करें तो जितने लोग उतनी बात। किसी को मोदी के विदेश दौरों से देश तरक्की करता हुआ नजर आता है तो किसी को मोदी विदेशी प्रधानमंत्री लगते हैं। ये तो लोगों का नजरिया है जिसे बदला नहीं जा सकता, पर इतना तो सत्य है कि भारत को विश्व शक्ति बनाने में मोदी के विदेश दौरों का सबसे बड़ा योगदान है। आज भारत में विदेशी आसानी से अपने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी ने देश के साथ विदेश नीति पर भी जोर दिया है। आज भारत में मोबाइल की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन हो या फिर गुजरात में बुलेट ट्रेन, सभी भारत की मजबूत विदेश नीति की ही देन है। कुल मिलाकर अगर कहें कि मोदी के विदेश दौरों में चाहे जितना खर्च हुआ हो, पर भारत इन दौरों से ही विश्व पटल पर ताकतवर बनकर उभरा है। थैंक यू सो मच।